कुछ बीएड में स्टूडेंट में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि रूरल एरिया का सर्टिफिकेट कैसे बनना है और कैसे फिल करना है। सिंपल है कि आपने ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ डाउनलोड लिखा है, क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन आएंगी, दो ऑप्शन में से एक सर्टिफिकेट सी है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हो। फर्स्ट, ये पंजाब के रेजिडेंट के लिए है, आउटसाइड पंजाब के लिए नहीं है। नंबर दो, आप रूरल एरिया में रह रहे हैं का मतलब है कि आपके पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट हैं रूरल एरिया के। नंबर दो, आपने कम से कम 5 ईयर गवर्नमेंट स्कूल या रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल जो रूरल एरिया में लोकेटेड है वहां से मिडिल मीन 8th मैट्रिकुलेशन मीन 10th एंड 10+2 एग्जामिनेशन पास किया हुआ है उस एरिया से। रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कमेटी से आउटसाइड उसकी लिमिट से बाहर है, नोटिफाइड एरिया जो कमेटी का है उससे बाहर है, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप और यूनिवर्सिटी के कैंपस से जो बाहर है। सर्टिफिकेट सी जो है वो अथॉरिटी से सर्टिफाइड होना चाहिए, मीन उसकी स्टैंप प्लस सिग्नेचर चाहिए। पहले काम बिल्कुल सिंपल है, अपना नाम फिल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल TIRATH है ना। चलो, मैं लड़कियां हैं ज्यादा, मैं लड़की वाला फिल कर देता हूँ। फादर्स नेम फिल कर लिया। ओके, हो सके तो कैपिटल लेटर में फिल कीजिए कि कोई मिस्टेक या क्लैरिटी रहे, मिस्टेक कोई ना हो। जो जब आप स्मॉल वर्ड्स में लिखते हैं तो गलती की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे मदर्स नेम फिल कर लीजिए। मदर्स नेम फिल करके आप के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि प्लेस आपका कौन सा है। प्लेस आपने फिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल रामपुर, रामपुर। पीरियड ऑफ स्टे फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर। ओके, नेक्स्ट एड्रेस जो भी आपका मोहल्ला है, पट्टी है, जहां हाउस नंबर है, वट एवर यू नो वो फिल कर लीजिए। यहां पर पूरा एड्रेस। उसके बाद ये अटेस्टेशन है जिसको आपने फिल करना है। आई सोने पर्टिकुलर अबव एंड करेक्ट, कि जो आप ऊपर बयान दे के आए हो वो करेक्ट है, ट्रू है। आई रिजाइड इन विलेज, अगेन रामपुर। रामपुर नहीं फिल कर देना, अपने गांव का नाम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल जलंधर, पूरा जलंधर लिखना है। लास्ट 10 ईयर। ओके, ईयर है, सॉरी 10 काफी है। नेक्स्ट आगे है कि आपने सिग्नेचर किसके करवाने हैं। यहां तक फिल हो गया, लास्ट 10 ईयर तक। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड गिवन स्टोर, हाँ कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं है। ये बात रखना है कि हमेशा ही सिग्नेचर कैसे होते हैं। कभी भी किसी अथॉरिटी के पास आप जाते हो तो आप हायरार्की में, यहां स्टूडेंट्स हो, ओके, तो सबसे पहले कैंडिडेट आपके सिग्नेचर होने हैं, तीरथ कौर। ओके, उसके बाद आपके हायरार्की में आपसे ऊपर आपके फादर मदर, जहां चलो हस्बैंड तो इक्वल होते हैं, फिर उनके सिग्नेचर होंगे, यहां उनके सिग्नेचर हो गए। तो फिर उसके बाद जो गांव की अथॉरिटी है, इन्होंने सरपंच और नंबरदार, उनसे आपने एक ऑफिस, उनके ऑफिस की सील होती है, स्टैंप होती है, वो लगवानी है और यहां उनके सिग्नेचर होंगे। ठीक, ये हो गया जो मालवा कॉलेज के लिए अपनी रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट फिल करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये नोटिस दिया है स्टार लगा के, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना है कि आप उस रूरल एरिया में रह चुके हो, पढ़ चुके हो, तो साथ में आप अटैच
कर सकते हो। सेकंड है जो आपने प्रूफ ऑफ रूरल एजुकेशन, ये बात याद रखनी है, वो सिर्फ मालवा कॉलेज के लिए था, ये पंजाब के किसी भी आप रूरल एरिया में से 10th और 10+2 पास कर चुके हो, दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ रूरल एजुकेशन सर्टिफाइड दैट तीरथ कौर। ओके, डॉटर ऑफ सुरिंदर सिंह, ठीक। अब ये आपने पढ़ लेना है कि आपने पास क्या, प्राइमरी मिडिल और मैट्रिकुलेशन प्लस टू, चार ऑप्शन उन्होंने दी हुई है, ठीक। फर्स्ट है प्राइमरी, याद रखना है प्राइमरी, वैसे लोअर प्राइमरी 5th क्लास तक होती है, ओके। जो अपर प्राइमरी है उसको मिडिल भी बोल देते हैं, जो 8th क्लास तक होती है। जब आप करोगे बीएड आप ये सब कुछ भी पढ़ोगे, 5th 8th, मतलब मिडिल को अपर प्राइमरी भी बोलते हैं। हाई क्लास जो आ गई, हाई ये 10th तक हो गई, यहां आपने फिल नहीं करना, ये समझा रहा हूं सिर्फ। हायर और सीनियर सेकेंडरी, हायर और सीनियर सेकेंडरी 10+2 को बोलते हैं। अगर हायर हायर सेकेंडरी शब्द आता है फिर भी 10+2 है मतलब, और सीनियर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी ज्यादा स्कूलों के बाहर लिखा मिलता है। तो ये आपके सर्टिफिकेट हैं। आपने 5th कहां से पास की है, प्राइमरी का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल मैंने पास की है गवर्नमेंट, पूरा लिख देना है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, पूरा लिखना है एलिमेंट्री स्कूल रामपुर, ओके। तो ड्यूरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने 2001 से लेके, मेरे 5 साल बनते हैं, 2001, 2, 3, 4, 5, वो आपको पता होगा। मिडिल आपने अगर उसी स्कूल से की है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल है मिडिल क्लास होती है, फिर उसी का नाम, अगर कोई और स्कूल है वो फिल कर देना है, ठीक है, सेम आ गया। तो 2005 से आप 2006 से यहां हो, 7 और 8, 2008 तक ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल हाई स्कूल के लिए आपका स्कूल शिफ्ट हो गया, अगर वही था तो वही लिख दिए, अगर शिफ्ट हुआ है और वो रूरल में है तो आप वो लिख सोगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ या किशनपुर, जो भी आपके गांव का नाम है जहां से आपने की है, ठीक। 10th तो ये आपकी हो गई, अगर 10th की है आपका 2009 से 2010 आ गया। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी की हुई है वही स्कूल से, स्कूल का नाम पूरा लिख के, प्लस टू यहां आ गया, अब लिख सकते हो अगर आपने क्लैरिटी करनी है, तो ये आ गया 2011 से 2012 तक। अब प्राइमरी जो स्कूल है उसके आपने हेड के पास जाना है, वहां यहां आपकी स्टैंप लगेगी और सिग्नेचर होंगे, ठीक है, साथ में स्टैंप लग गई। और अगर सेम स्कूल है तो यही फिर यहां सिग्नेचर हो जाएंगे और स्टैंप लग जाएगी। अगर ये स्कूल डिफरेंट है तो उस स्कूल में जाके आपने ये सिग्नेचर करवा लेने हैं और स्टैंप लगवा लेनी है। ये प्रोसीजर हो गया आपका जो रूरल एजुकेशन के प्रूफ का। नेक्स्ट है, इसी में ही आपके जो डिटेल्स हैं, आपका कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उस जिस कॉलेज में जाना है उन्होंने ये डिटेल देखनी है। ग्रेजुएशन में मार्क्स फॉर एग्जांपल 2400 में थे आपके, मान लो 1600 आए हैं, ठीक है। तो इधर इधर साथ में आप परसेंटेज जरूर अपनी निकाल के फिल कर दीजिए, जितनी परसेंटेज है। मार्क्स ऑब्टेन इन पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल 800 में से है ना, 800 में से आपके 500 हैं फॉर एग्जांपल, तो साथ में आप जितनी परसेंटेज बनती है उसका परसेंटेज यहाँ फिल कर दिए। कैटेगरी
रूरल के अलावा आपकी क्या है, जनरल है, एससी है, उसको ऐसे सर्कल कर दीजिए, सर्कल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और अगर कोई और कैटेगरी है तो आप यहाँ फिल कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ भी टिक हो गया, यहाँ भी टिक हो गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बात याद रखनी है, यहाँ आपने मेजर सब्जेक्ट फिल करना है। फॉर एग्जांपल आपका सोशल साइंस है, आप लेना चाहते हो, ये अभी से आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी, प्राइमरी आपकी मेजर सब्जेक्ट किसकी है, मान लीजिए SST है, साथ में लैंग्वेज है, ठीक। लैंग्वेज जो है वो उस कॉलेज ने आपको माइनर सब्जेक्ट बाद में देना है जब आपको अलॉटमेंट कॉलेज हो चुका है। इसके बाद आपके साइंस, तीरथ कौर, ओके। तो ये चेक्ड, ये आपका कोई काम नहीं है, ये उस कॉलेज का काम है, इतना काम आप करके। हाँ, ये जो सर्टिफिकेट है ये भी आपका, आपके सिग्नेचर हो चुके हैं यहाँ, ये पहले होने हैं आपके, याद रखना है पहले आपने सिग्नेचर करने हैं, फिर ये हेड के पास आपने जाना है, उनके सिग्नेचर करवाने हैं।